डियर फ्रेंड्स, नाउ द टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस टॉपिक विच वी हैव डन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस. इन हिंदी वी कॉल इट लाभ और हानि. तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में, है ना. बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें प्रॉफिट और लॉस इन्वॉल्व होता है. तो बिजनेस में दो चीज इंपॉर्टेंट है, सीपी कॉस्ट प्राइस. किस प्राइस पे आपने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मटेरियल. एंड एस पी, एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस. किस प्राइस पे आपने उसको बेचा है या सेल किया है. तो ये दो प्राइस इंपॉर्टेंट है, सी पी कॉस्ट प्राइस एंड एस पी सेलिंग प्राइस. इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो. सपोज मैंने एक पेन खरीदा 25 रुपए में, उसको मैंने बाद में बेच दिया 30 रुपए में. तो कॉस्ट प्राइस इज 25 एंड सेलिंग प्राइस इज 30. नाउ यू सी द सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स आई हैव मेड ए प्रॉफिट और गेन. और द डिफरेंस 30 माइनस 25, 5 रुपीज. और इसका अगर उल्टा सिचुएशन होता, कॉस्ट प्राइस इज 30 सेलिंग प्राइस इज 25, देन देर विल बी लॉस ऑफ 5 रुपीज. सो नाउ वी कैन से द फॉर्मूलाज प्रॉफिट और गेन. एस पी माइनस सी पी मीन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो यू आर मेकिंग ए प्रॉफिट और गेन, बोथ आर सेम थिंग. एस पी माइनस सी पी प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज. इफ यू हैव टू कन्वर्ट इन टू परसेंटेज, देन ऑलवेज you have to divide by cost price CP. The base is always CP. The profit percent or your loss percent, base is always cost price. So SP minus CP divide by CP into 100, because we have to convert into percentage. The profit percent is equal to SP minus CP, the actual profit divided by cost price into 100. So this is the second formula. Third formula is about the loss. Loss is when CP is more than SP. CP minus SP. ज़्यादा में आपने खरीदा, कम में बेच दिया. So there is loss. And loss percentage. The loss CP minus SP divided by CP into 100. तो ये अपने चार फॉर्मूले देखे, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस, लॉस परसेंट. फॉर परसेंट ऑलवेज डिवाइड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस. Now based on these four formulas, we can derive four more formulas. If CP is given to you and profit percentage is given to you, you have to calculate SP, selling price. So SP is CP into 100 plus profit percent, P means profit upon 100.
ये फॉर्मूला का भी यूज़ करना है, आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है। इसी में एक फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर लॉस होगा तो एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, एल मीन्स लॉस। तो अगर आपको लॉस हो गया, घाटा हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो लॉस इज कॉल्ड घाटा इन हिंदी है ना, तो घाटा मतलब घटाना है, तो 100 माइनस एल, 100 में से एल परसेंट घट जाएगा, डिवाइड बाय 100। फायदा हो या प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, दैट विल गिव यू एस पी सेलिंग प्राइस। तो अभी तक अपने 6 फॉर्मूले देख लिए, 2 फॉर्मूले और बचे हैं अभी। नाउ इफ एस पी इज गिवन टू यू एंड यू टू कैलकुलेट सी पी, कॉस्ट प्राइस टू बी कैलकुलेटेड, अगर सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी पी इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, जब आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है। लास्ट फार्मूला क्या बनेगा इसमें, सी पी विल बी इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो दीज आर 8 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, 4+4=8, विच वी कैन डायरेक्टली यूज इन अवर कैलकुलेशन। नाउ वी विल टेक 1 or 2 एग्जांपल्स टू फर्दर अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू अप्लाई द फार्मूलाज। सपोज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹92 एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन एज 15%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, व्हाट इज गिवन टू यू, सेलिंग प्राइस इज गिवन एज ₹92 इन विच देर इज ऑलरेडी 15% प्रॉफिट, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। सो नाउ वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 इंटू 92 अपॉन 115। सो इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई, 92 एंड 115 आर मल्टीपल्स ऑफ 23, 4/5 इंटू 100, ₹80। So the cost price of the article is ₹80. Simple. Direct formula application. If selling price of an article is ₹100 and profit is given as ₹10, what is profit percentage? Selling price is ₹100 in which there is a profit of ₹10. So profit is given in terms of rupees, not in terms of percentage. Percentage we have to calculate. What is profit percent? So the impulsive answer may be 10%, but that is wrong. Because as I told you, profit percent has to be calculated on base of cost price, not on selling price. So first we have to find the cost price. What is the cost price here? तो कॉस्ट प्राइस विल बी 100 माइनस 10, ₹90, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज 100 एंड प्रॉफिट इज ₹10, सी पी इज एस पी माइनस प्रॉफिट, दैट इज ₹90। नाउ वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, 10 अपॉन 90 इंटू 100, सो इट विल कम आउट टू बी 11.11%।
So now I hope the concept will be clear to you. How to calculate percentage profit or loss. One more example we can take. If selling price of 12 articles is equal to 15 articles. Then what is the profit or loss percentage? So this is also a frequently typed asked question in the aptitude. Selling price of 15 articles, selling price of 12 articles is equal to cost price of 15 articles. So what is the profit or loss percentage in this case? Now the actual selling price or actual cost price is not given. Articles are same. Type of articles are same, but the selling price of 12 articles is equal to cost price of 15 articles. That is the information given to you. So how to solve this type of problem? So I will assume cost price of one article x 1 rupee. We can assume one article costing 1 rupees. So let the CP of each article be 1 rupee. So CP of 12 articles will be equal to 12 rupees. Because actually he has sold only 12 articles. The CP of 12 articles will be 12 rupees. And what will be SP of 12 articles? That is equal to 15 rupees. Because in the question it is given, selling price of 12 articles is equal to cost price of 15 articles, which is 15 rupees. So now we can clearly see there is a profit or gain in this case. CP is 12 rupees, SP is more. It is 15 rupees. The profit or gain in this case is 15 minus 12. That is 3 rupees. Now we have to convert into percentage. Net gain is 3 rupees. Net profit is 3 rupees. But for finding the percentage, we have to divide by cost price, which is 12 rupees. So 3 by 12 into 100, which is equal to 25%. So that is our final answer, 25% gain or profit in this case. So this is the important technique. You can assume CP of one article is 1 rupees and then further solve. Now I will take up one more interesting example in which one concept will be clear to you. I sold 2 mobiles, each for rupees 1200. Means 2 second hand mobiles I sold, each for rupees 1200.
means total selling price is 1200 into 2, 2400. On 1, I gained 20% profit. एक मोबाइल पे 20% प्रॉफिट हुआ 1200 में बेचने में. बट ऑन अदर आई लॉस्ट 20%. दूसरे मोबाइल पे यस द क्वेश्चन वाज आई सोल्ड टू मोबाइल्स ईच फॉर रुपीज 1200. On one I gained 20% profit, but on other I lost 20%. What is my overall profit or loss percentage in the deal? So there are two methods to solve this type of question. So we know the SP selling price are same here. SP1 is equal to SP2, 1200 rupees. And profit and loss percentage are also equal. But are the cost price same? No, the cost price are different. So first we have to calculate the cost prices of the two mobiles. Then only we can tell whether there is profit or loss in the whole deal. So what will be CP1 in which there was 20% profit? So 1200 into 100 upon 100 plus 20, applying the formula. So it is 1000 rupees. The cost price of first mobile on which I had made 20% profit is 1000 rupees. 1000 rupee ka mobile tha wo. Lekin dusra mobile jisme aapko loss hua 20% ka, uska cost price kya tha? So again apply the formula, selling price into 100 upon 100 minus loss percent. So 100 minus 20, that is 80. So you have calculate karenge. So you have kaha jayega 1500 rupees, 1500 rupees. So you have dekh sakte hain ki selling price bhale hi same hai, कॉस्ट प्राइस दोनों के अलग अलग हैं. फर्स्ट मोबाइल का कॉस्ट प्राइस था 1000 रुपये, 1000, और सेकेंड मोबाइल का कॉस्ट प्राइस आ गया 1500 रुपये, 1500. ओवरऑल डील मीन्स वी हैव टू नाउ सी द व्हाट इज टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेलिंग प्राइस. सो द टोटल सेलिंग प्राइस इज 1200 प्लस 1200, दैट इज इक्वल टू 2400 rupees total selling price. Total cost price 1000 plus 1500, 2500 rupees. So dono mobile ka mila ke total selling price aaya 2400 aur total cost price aaya 2500, which is more than 2400. So we can clearly see there is a loss in this deal. क्योंकि selling price कम है, total selling price कम है, total cost price ज़्यादा है. तो पूरी deal में आपको loss हुआ, profit नहीं हुआ, पर loss हुआ. कितना loss हुआ है? 2500 minus 2400. 100 rupees का loss हुआ है overall deal में. लेकिन percentage में अगर convert करना है तो मैं किससे डिवाइड करूंगा 100 को? टोटल कॉस्ट प्राइस है ना, लॉस परसेंटेज विल बी कैलकुलेट ऑन टोटल कॉस्ट प्राइस विच इज 2500. तो 100 डिवाइड बाय 2500 इनटू 100 विच इज 100 अपॉन 25, दैट इज 4% लॉस. तो ओवरऑल आपको डील में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है 4% का लॉस हुआ. सो दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन मेथड टू अचीव द आंसर 4% लॉस. नाउ आई विल टेल यू द शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस.
क्योंकि ये कैंपस एप्टीट्यूड एग्जाम में जनरली आते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं इस टाइप क्वेश्चन। शॉर्टकट फार्मूला क्या है इस टाइप का, अगर एक क्वेश्चन आ गया आपको? सो नाउ यू कैन नोट डाउन द शॉर्टकट फार्मूला। कंडीशन इज एसपी शुड बी सेम, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेलिंग सेकेंड आर्टिकल, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेम प्राइस में आपने बेचा है। एक आर्टिकल में आपको एक्स परसेंट का गेन हुआ है और दूसरे में उतना ही एक्स परसेंटेज का लॉस हुआ है, तो ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, सेलिंग प्राइस इक्वल है दोनों आर्टिकल का और परसेंटेज गेन परसेंटेज लॉस भी इक्वल है, तो ओवरऑल आपको हमेशा लॉस होगा इसमें। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ऑलवेज यू विल इनकर लॉस, कितना लॉस होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% लॉस। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम होना चाहिए, एक में एक्स परसेंट का गेन और प्रॉफिट, दूसरे में एक्स परसेंट का लॉस। तो अभी अभी जो एग्जांपल देखा था मोबाइल वाला, उसमें डायरेक्ट निकाल सकते थे 20% प्रॉफिट 20% लॉस, सेलिंग प्राइस वाज सेम, तो ओवरऑल 20² / 100 400/100 दैट इज 4% का लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने का। यदि 20 की जगह 10% हो जाए, 10% प्रॉफिट 10% लॉस, सेम सेलिंग प्राइस, तो 10² / 100 इटली 1% लॉस। Now we move on to the next important topic in this subject, that is process of discount. Process of discount. आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो बड़े बड़े मॉल में, आप देखते हो कहाँ पे सेल लगी हुई, कहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डिस्काउंट स्कीम्स। सो वॉट इज डिस्काउंट, हाउ इट इज गिवन, वॉट इज द प्रोसेस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर टू यू इन द प्रोसेस ऑफ डिस्काउंट इज डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। Discount is not given on cost price or selling price. Discount is given on marked price, which is marked on the article. तो ये तीसरे टाइप का प्राइस आ गया। नहीं, एक तो अपने को मालूम था कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, बट दिस इज मार्क्ड प्राइस। इसके भी अलग अलग नाम हो सकते हैं मार्क्ड प्राइस के। MRP MRP means maximum retail price. You generally see on the medicine bottles, MRP is given. The maximum retail price or the TP. TP means tag price. Generally or on garments we see there are tags. So TP means tag price. Which is also same. The mark price or maximum retail price MRP or tag price, or sometimes we say it LP, label price. If some labels are sticked on the articles, the label price.
means whatever price is displayed on the product. So that may be called mark price or MRP or tag price or label price. All are same. Whatever is displayed on the product. So that is called mark price. So I will take an example to clarify to you what is the process of discount. Suppose CP of an article is 100 rupees. Means the shopkeeper has bought it from some home. To understand this process of discount, I take an example. Suppose CP is of an article is rupees 100. This is the cost price for the shopkeeper or the retailer. जो वो होलसेलर से खरीद के लाया 100 रुपये में, आपको नहीं मालूम कितने में खरीद के लाया वो, तो अपने एज्यूम किया है कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। अब शॉपकीपर क्या करता है एक्चुअल, उसमें कुछ प्राइस ऐड कर देता है अपने हिसाब से, उसको बोलते हैं मार्कअप। दिस मार्कअप इज डन बाय द शॉपकीपर और द रिटेलर, यू डोंट नो उसने कितना मार्कअप किया। सपोज उसने 50% मार्कअप कर दिया, तो अपने हिसाब से उसने 50% उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो मार्क प्राइस कितना हो गया अब 100 प्लस 50 रुपीस 150। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस वाज 100, नाउ मार्क प्राइस इज रुपीस 150, जो आपको दिखता है उस प्रोडक्ट के ऊपर है ना, एम आर पी और मार्क प्राइस और टैक्स प्राइस और लेबल प्राइस वॉट एवर इज डिस्प्लेड। सो दिस मार्क प्राइस इज रुपीज 150। आप जाते हो शॉप में, आप देखते हो 150 का है ना, यू बार्गेन विद दैट शॉपकीपर कि भैया बहुत ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम कर दो, डिस्काउंट दे दो। तो नाउ आपको वो डिस्काउंट दे देता है आपको खुश करने के लिए, तो डिस्काउंट उसमें किस पे दिया, उसने मार्क प्राइस पे। सपोज 10% उसने डिस्काउंट आपको दे दिया, आपने बार्गेनिंग की, तो उसने बोला ठीक है आपको 10% डिस्काउंट दे देता हूँ, आप मेरे पुराने कस्टमर हैं। तो अब 10% उसने किस पे कम किया, 150 के ऊपर। डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, तो 150 का 10% मतलब 15 रुपये उसने कम कर दिए, तो 150 माइनस 15, तो फाइनल सेलिंग प्राइस इज रुपीज 135, जो आप खरीद के लाते हो 135 में, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। तो पहले उसने 50% ऑलरेडी मार्कअप कर रखा है, 100 का उसने 150 कर दिया था, 10% उसने आपको डिस्काउंट ऑफर कर दिया, उतना लेस कर दिया, तो फाइनली आप खरीद के लाए 135 में, तो यू आर वेरी हैप्पी कि मैंने 10% का डिस्काउंट ले लिया उससे, 15 रुपये कम करा लिए। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस में क्या हुआ, शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ डिस्काउंट देने के बाद भी। तो नाउ वी कैन सी सीपी वाज 100, मार्क प्राइस वाज 150 एंड फाइनल सेलिंग प्राइस इज 135। तो शॉपकीपर इज नॉट इन लॉस, ही हैज मेड ए प्रॉफिट ऑफ 35%। दिस इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर और द रिटेलर। तो ही इज नॉट इन लॉस, इवन ही हैज गिवन यू 10% डिस्काउंट, फिर भी उसने 35% का प्रॉफिट ही बनाया। तो सीपीएस में उसने ऑलरेडी 50% मार्कअप कर दिया था, तो ये 50% इस पे ऐड हो गया और 10% फिर उसने आपको डिस्काउंट माइनस कर दिए। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस, तभी उसको 35% का फायदा। अगर आपको 100 सीपी पे 10% का डिस्काउंट दे देता तो वो 10% लॉस में हो जाता। तो नोबडी कैन रन ए बिजनेस इन लॉस, एम ऑफ एवरी शॉपकीपर रिटेलर इज टू मेक प्रॉफिट। सो दैट इज वाई दिस प्रोसेस ऑफ मार्कअप इज देयर।
ये इज ऑलरेडी इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 150, उस पर आपको 10% का डिस्काउंट देके 135 में भेज दिया, तो यू आर हैप्पी दैट यू गॉट 10% डिस्काउंट एंड ही इज ऑल्सो हैप्पी दैट ही हैज मेड 35% ऑफ प्रॉफिट. सो बोथ आर हैप्पी, इट इज विन विन सिचुएशन. Now in shops you must have seen the schemes like this. Buy two, get one free. Like buy two shirts and then you get one shirt free. So what is the discount percentage in this case? So discount percentage is not 1/2 into 150%. See, you have got only one free, so that is the discounted thing. But total articles you have purchased is 2 + 1, 3. So actual discount is 1/3 × 100. That is only 33.33%. You are not getting 50% discount, you are getting only 33.33%. Because total articles जो आपने खरीदे हैं कितने, 3 है, 2 + 1, 3, उसमें से एक फ्री है, तो फ्री मतलब डिस्काउंट, तो 1/3 × 100. We can take one more example. Buy 3, get 2 free, like in soaps. तो इसमें discount percent कितना हो जाएगा, 2/5 × 100, that is only 40%. Because total you have got 5 articles in which 2 are free, so discount is 2/5 × 100. What can be the maximum discount in these types of schemes? Maximum the shopkeeper can offer you, buy 1 get 1 free, है ना. इससे ज़्यादा तो आपको नहीं दे सकता कोई, कि आप एक जीन्स खरीदो एक जीन्स फ्री होगी, बाय वन गेट वन फ्री, तो उसमें आपको 100% डिस्काउंट नहीं है. डिस्काउंट कितना है, 1/2. तो मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस टाइप ऑफ स्कीम कैन बी 50% ओनली. आई होप इट इज नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इफ appear in the aptitude. One more topic in this, successive discounts. Successive means one after the other. Generally in clearance sale, you see after and the end of season sale, shopkeeper can offer you more than one discount, successive discounts. Suppose you are getting 8% discount, then 10%, then 10%, and so on. So this is also called series of discount. You have got n discounts, 8%, 10%, 10% up to n%. तो यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज ओवरऑल और नेट डिस्काउंट ऑफर्ड, सिंगल डिस्काउंट ऑफर्ड इन दिस स्कीम जो सबके इक्विवेलेंट है. तो वी कैन नॉट सिंपली ऐड a+b+c+d up to n, दैट इज रॉन्ग. तो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू mark price, because discount is given on mark price, into 100 minus a upon 100 into 100 minus b by 100 and so on.
So final selling price at which you will get the article will be the mark price into 100 minus A upon 100 into 100 minus B upon 100 into 100 minus C upon 100 and so on up to 100 minus N upon 100 because there are N discounts. So this is the formula we have to use for successive discount or series of discount. And what will be overall discount equal to? A single discount equal to all these discounts is mark price minus selling price divided by mark price into 100. So this will be equal to the overall discount percentage of this series of discounts. Mark price minus final selling price divided by mark price into 100. Because discount is always given on the marked price. To understand it better, we will solve one question from our book. This is the question number 4. In a Nike showroom, there are 3 successive discounts given on apparel. 30%, 25% and 20%. तो तीन आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं इसमें 30% फिर 25% एंड देन 20%. व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट वैल्यू और यू कैन से इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज. तो तीनों को मिला के इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज कितना बनेगा ये अपने को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में. तीन डिस्काउंट मिले हैं 30%, 25% एंड 20%. तो नाउ वी कैन नॉट डायरेक्टली ऐड 30 प्लस 25 प्लस 20 दैट इज 75%. दैट इज रॉन्ग. वेयर टू यूज दैट फार्मूला विच आई जस्ट टोल्ड यू. मार्क प्राइस यहाँ पे गिवन नहीं है नो प्रॉब्लम. एज्यूम मार्क प्राइस इज 100. Always we can assume 100 starting from 100. Mark price 100 ले लिया तो final selling price क्या हो जाएगा 100 into first discount is 30%. तो 100 minus 30 that is 70 by 100. Second discount कितना था आपका 25%. तो 100 minus 25 that is 75 by 100. इंटू लास्ट डिस्काउंट कितना था 20%. तो 100 माइनस 20 दैट इज 80. तो इससे आपको फाइनल सेलिंग प्राइस मिलेगा 100 इंटू 70 बाय 100 इंटू 75 बाय 100 इंटू 80 बाय 100. तो दिस इज योर फाइनल सेलिंग प्राइस. मार्क प्राइस वी हैड अज्यूम्ड एज 100. जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल सी द फाइनल सेलिंग प्राइस विल कम आउट टू बी 42 rupees. मार्क प्राइस वी हैव अज्यूम्ड एज 100 rupees. उस फाइनल सेलिंग प्राइस जितने में आपने खरीदा जितने में आपको पड़ा कितने का पड़ा ये 42 rupees में. तो व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज इट इज अ डिफरेंस 100 माइनस 42. बिकॉज एमआरपी और मार्क प्राइस 100 एंड फाइनल सेलिंग प्राइस इज 42. तो 100 माइनस 42 दैट इज 58%.
So overall discount or equivalent discount, equivalent to this all three discount is 58%. That is the C option. So now I hope this process of discount is clear to you. You can solve further questions based on this profit loss discount, and any doubt we can discuss later. Thank you.